बोकारो टाउन हॉल में बोकारो विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों के बूथ लेवल ऑफिसर को प्रशिक्षण दिया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी से उपायुक्त विजया जाधव ने कहा कि बोकारो विधानसभा का मतदान प्रतिशत असंतोषजनक है, ये बोकारो के लिए दाग है। इस दाग को हम सबों के सामूहिक प्रयास से हटाया जा सकता है। उन्होंने विधानसभा आम चुनाव 2024 के मतदान प्रतिशत में सुधार लाने, निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रणनीति के तहत कार्य करने की अपील की है। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए बूथ अवेयरनेस ग्रुप को सक्रिय करने, रात्रि चौपाल का आयोजन, प्रतियोगिता एवं अन्य गतिविधि का आयोजन कर मतदाताओं को जागरूक करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि आयोग द्वारा उपलब्ध होने वाले वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप को 100% मतदाताओं के बीच वितरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। हमारे बातों को अच्छे से रख पाएगा, ये हवा मार रही थी ऐसे ऐसे, तो ये हम लोग हैं, समझे? इसके घर के जितने भी लोग हैं आए और वोट दे। विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के हमारी बीएलओस है, बूथ लेवल ऑफिसर्स है, और आप सभी लोग जान रहे हैं बोकारो का जो वोटिंग परसेंटेज है वो काफ़ी कम है, राज्य के औसत से, इवन राष्ट्रीय औसत से भी कम है। तो आज हमने एक थोड़ा सा मोटिवेटिंग सेशन भी इनके साथ किया, साथ ही साथ वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप कैसे बांटनी है, एएसडी लिस्ट कैसे बनानी है। बहुत सारे बीएसएल के सेक्टर एरिया के लोग चिराचा से म्यूनसिपल एरिया में शिफ्टिंग हो गए हैं, तो आज दोनों के बीएलओ को हम आमने सामने बिठा के शिफ्टिंग वाले लिस्ट को सॉर्ट आउट करेंगे। साथ ही साथ 3 दिन पहले बूथ को कैसे तैयार करना है, एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ के तहत उनको क्या क्या योजनाएँ करनी पड़ेगी। ठंडे के दिन है तो जल्दी ठंडा हो रहा है, तो आपको 4:30 बजे के आसपास से, 3:30-4 बजे के आसपास ही लाइट ऑन करने पड़ेंगे, तो मिनिमम विद्युत योजना होनी चाहिए। अगर लाइट नहीं है तो आपके पास जनरेटर होना चाहिए, पानी की व्यवस्था हो गई, दिव्यांगों के लिए रैंप हो गया, स्वतंत्र अच्छे साफ सुथरे फंक्शनल शौचालय हो गए, ये सारी चीज़ों को आज हमने यहाँ पर दोहराया है। तो साथ ही साथ सभी बीएलओस को हमने ये भी कहा है कि आप अपने गली मोहल्ले में, टोले में, अपने जितने भी बूथ के आजू बाजू के एरियाज में सभी लोगों को एक साथ लेते हुए वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए एक बहुत ही